सुबह की है सबको, गुड मॉर्निंग और राम राम। यार आज ना इस पता नहीं कान में कल क्या हुआ, एयरबड से साफ किया तो कहते तो थे मत करना, बट कल पता नहीं क्या खुजली जैसी लगी परसों मेरे को, मैंने कर दी एयरबड साफ। और कल ही पूरा ना कान सूजा हुआ था और दर्द भी बहुत हो रहा है इसमें यार, कल रात भर भी नींद नहीं आई है, तो स्वेलिंग जैसी है, आज डॉक्टर के पास जाना है। और कल पूरा कल दोपहर से ना लाइट ही नहीं थी यहाँ, पता नहीं पीछे कहीं कुछ दिक्कत हो रही थी तो पानी भी नहीं आया। तो अभी फिर एक टैंक मंगा रखा पानी का, तो बहुत समस्या हुई है, मतलब ग्लास ग्लास वाले हिसाब से हम लोगों ने पानी निकाला है। ये दोनों ऐसे पड़े हैं देखो, इनको गर्म हो गया बल, तो अभी पानी खाली होता है। चलो एक चीज़ की सुविधा है, जैसे कभी पहाड़ में पानी नहीं आता था ना, तो लोग रही धारे जाते थे पानी भरने के लिए, तो बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे। ये एक चीज़ है कि चलो यहाँ पर चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे, घर पर टैंक आ जा रहा है। तो यार अभी आ गए हैं हॉस्पिटल पे, भैया 85 लोग ऑलरेडी नंबर पे हैं, ये तो हाल है हल्द्वानी का, 85 आ चुके हैं, वो नहीं 85 आ चुके हैं, तो कंडीशन बहुत ख़राब है भैया, सारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं। और अभी सुबह लोगों के स्कूल से आए तो एडमिशन करा दिया, और काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा स्कूल। कल से देखो या तो मंतू छोड़ेगी या हम छोड़ेंगे, जो पापा कभी खिलाएगा नहीं अपने बच्चों को, सड़ी हुई चीज मोमोज, चाउमिन और खराब, मैं देखा कोई आइटम नहीं खाया जाएगा, क्या खाएगा, मोमो छोड़ करके चाउमिन छोड़ के मुस्कुराहट देखो लड़के की, चुपचाप चुपचाप सोच रहा है कुछ। देखे पिज्जा वाले को देखे, पिज्जा एक दूसरे का हाथ का देख रहे हो, छोड़ते नहीं मेरे को दोनों, नाक के अंदर उंगली घुसा दी। कभी हम भी बच्चे रहे होंगे, हमारे माँ बाप भी हमको ऐसे ही खिलाते होंगे, मगर जैसे जैसे हम पढ़े होते रहते हैं ना, तो वैसे वैसे कहीं ना हम अपने को ज्ञानी समझने लगते हैं। अगर माँ बाप के सामने माँ बाप हमसे कोई चीज़ कहते हैं कि यार ये अच्छा है, तो हम कहीं ना कहीं उनको खाली दिमाग लगाने लगते हैं कि अरे तुम पता। तो अभी जस्ट ऐसे मन विचार आया, मेरे को लगा यार हम भी तो पापा को ऐसे परेशान करते होंगे, मम्मी को ऐसे परेशान करते होंगे, मेरी तबीयत ख़राब है, कान में दर्द है, थोड़ा फीवर टाइप का भी लग रहा है, बट उसके बाद भी देख रहे कैसे हम मस्ती कर रहे हैं। और एक बाप होने के नाते बाप कुछ नहीं कर सकता, इसमें खुशी मिलती है, एक हाथ ऐसे इंगेज रहता है, अगर बीच में सोऊंगा ना तो एक इधर से सोया होगा एक उधर से सोया होगा, चिपक कर इसके लिए ना एक वो लेके आना है यार, प्रेस वाला अलग से एक स्टैंड आता है ना, वो लेके आना है इसके लिए, तौलिया बिछा दिया कर यार, कर दो थोड़ा और इधर को कर, ये देखो भैया कार्टून पूरी हेल्प करता है, आयरन करनी हो कुछ भी करना हो सब आता है इसको, इसको खाली बोल दो तो ये अपना कर लेता है। अरे आ गई हो, देखते हैं शुभ भाई क्या कर रहे हैं अपने। शुभ भाई ये छोटी हो गई है बेटा, ये देनी पड़ेगी किसी को, ये तो बहुत छोटी सी लग रही है, मजा ही नहीं आ रहा है यार इसमें, बच्चे जैसी लग रही है, किसी बच्चे को दे देंगे इसको गिफ्ट में, ठीक है। कितने कपड़े हो गए हैं मेरे बच्चे के पास देने देने वाले, इतना अच्छा बच्चा हो गया मेरा, दूसरी पहन अब तू टी शर्ट को, ला मैं भी हेल्प करूं, खुद हो जाएगा तो, ये बच्चों ने मेरे देखो कितने प्यार से कपड़े रखे हैं सारे, सब फोल्ड करके देखो निकाला कितने प्यार से। अरे मतलब कमीज पहननी जरूरी है, कमीज ही पहनने हैं आज, चल ठीक है पहन ले फिर। ये पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दादा की है, ये मेरी है, अच्छा प्रेस लगा देंगे इसमें, प्रेस नहीं लगी है, सही है भाई प्रेस, ये बहुत ही घोंच आ रही है यार इसमें, कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उससे पता क्या होता है गरीबी हो जाती है, गरीब बन जाता है आदमी, ये वाली सही है, ये दादा की है, निकल पूरा फिट आ जाती है, चला जा फिर, आज तो पार्टी बनती है, दादा की शर्ट आ गई तेरे को तो कर दूं भैया के, इसमें भी कर दे यार प्रेस ले, क्या इसमें भी
यार तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी क्योंकि घर का सामान लेना था तो निकल गए शॉपिंग के लिए। छुटकू पुटकू सामान विशाल से अच्छा मिल जाता है इजी एक छत के नीचे, तो फिलहाल यहाँ पर आकर के अभी सामान ले लेते हैं। तो लोग गए हैं अंदर पे, देखते हैं कहाँ ये लोग। अरे देखते हुए खाना खा पाएगी नहीं, मैं छोटी हूँ, जो बड़े हैं उनसे बोलो। मैडम जी ने पूरा एक्सपीरियंस कर लिया है इसका, ठीक आएगा नहीं आएगा करके। इससे तो अच्छा लगा है, चले पाँच ही है। पापा एक बार मेरे साथ आओ, पापा। हाँ बेटा, एक वो भी चाहिए हमको। ये अच्छा नहीं लग रहा यार, इतना क्वालिटी वाइज ना मजा नहीं आ रहा देख करके इसको। यहाँ और भी है ना इस तरफ को, ये वो देखो उधर भी है कुछ, उधर चेक कर लो एक बार, देखते हो क्या पता कुछ लगे तुम्हें क्या। यहाँ से है ना रास्ता, कहाँ नीचे वाले से। ये इस तरह की चीज मैं नहीं लूंगा, मैं एक भी और ये सारी चीजें। हाँ, 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 खाने की चीजें नहीं, खेलने की चीजें। खेलने की चीज तो कतई नहीं भाई, अच्छी चीज जैसे खेलने की, जैसे जो आवाज नहीं करे नीचे तो चलो। नीचे अभी नहीं आऊंगा है, पहले यहाँ का सामान एक जगह का खरीद लेते हैं। ले ले एक ले ले, अब क्या है भाई आपका कुछ और एक। नीचे तो चलो, नीचे वाले ग्राउंड। नीचे है क्या? अरे नीचे वाले ग्राउंड। अच्छा उसमें डाल दो, उसको डाल दो आराम से। रसगुल्ला नहीं यार, अच्छे नहीं आते रसगुल्ला। अरे यहाँ वाले ब्लॉग देख दी तुमने, तो आप जाओ, मैं ध्यान रखता हूँ इसका डब्बे का। देखो कहाँ कहाँ से घूम के आ रहे हैं यार, कहाँ है नहीं मिले। अब इनकी जिद हो गई है कि जो हम कहेंगे बोलो। क्या है? ड्राइंग करने के लिए। क्या है भाई ड्राइंग करने के लिए? ये देखो इसको ड्राइंग करने वाला मिल गया इसका यार। हाँ थी इसमें पेंसिल भाई, इसमें ये देखो, और इसमें ड्राइंग बुक भी है। देखो ड्राइंग बुक है इसमें। हाँ वो तो मिल गया भाई उसका चीज। ये देखो सुबह भाई को क्या पसंद आया, कार्तिक भाई को ये अब देख रहे हो, ये पसंद आया है कार्तिक को, अब ऐसी चीज ले रहा है। हाँ और टट टट करते रहना ऐसे, टर 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 मेरे किसी आवाज आती है उसमें से। अरे खेल खिलौने के अलावा भी तो कुछ और आइटम होते हैं, वो बंदूक तो नहीं ले सकता यार। मैं क्या करेगा उससे, क्या खेलेगा उससे? बच्चों के लिए रख लो, इनके खोते रहते हैं हर महीने में इनके एक सेट। हाँ दो दो पैकेट रख लो। अभी लिफ्ट के अंदर फंसोगे तुम लोग देखना, ये चिल्लाता रहेगा, अभी ऐसे बंद हो जाएगी लिफ्ट, लिफ्ट कहीं जा ही नहीं रही है। ये देख देखा कानों ने, बच्चा सो एक गुस्सा आ गया क्योंकि इनका एक सामान पहले इसने का एक लूंगा, अब कह रहे और भी कुछ चाहिए, नखरे दिखा रहा है। रख दें इसको, इसको ले लिया सामान, अभी चेकिंग करके बस निकल रहे हैं। अब निकलते हैं DIY को। हाँ और देखो कैसा बन गया है, ये चिड़िया बन गया है, चिड़िया। ओहो हैं क्यों, क्या करोगे उधर? दादा से कहना खाना खा लेते ना, वो सो जाएगा फिर। देख दो अभी कुछ सोने का टाइम है, खाना खाने का टाइम पे ऐसे मत मार यार दादा। और ओ भाई बिस्तर में कूड़ा देख, अभी डांट खाने वाले काम है कि नहीं पता। सुबह मेरा आज पक्का डांट खाने वाला है, ऐसा मेरे को बड़ा मन से लग रहा है। पापा, हाँ तो निशानाबाजी तो बाद में करना, कूड़ा तो कूड़े में फेंक दे भाई। हो गया तो इसको कूड़े में फेंक दे, आजा सब कुछ कूड़े में। इसको नहीं यार, तो गोली है भाई। अरे गोली ठीक है, चल तू आजा, चल देखते हैं मंतुआ क्या कर रहा है। हमारा थकान हो गई है दवाइयों से,
ये बेचारी भी लुत पुत पड़ी है और देख रहे हो मरे मन से बेचारी चली है। अरे चावली बना देती इससे अच्छा। लंबे कमरे बनाने से फायदा नहीं है। अच्छा सुन, हाँ। सुन तो, अरे तो तूने भूल दिया था, क्या कहूँ मैं, दाल में बना दूँ, छोंक दूँ? नहीं।